सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पीपीआर से। 10th 2020 पास आउट 88%, 12th साइंस नॉन मेडिकल 70%। ऑफर लेटर अप्लाई 12th वेब टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ डिग्री कंप्यूटर साइंस 1st मार्च। ऑफर ऑफ एडमिशन आईएलटीएस स्कोर मेंशन किया है। लॉस डेट 15th ऑफ मे, मेडिकल 4th मार्च, बायोमेट्रिक 6th मे। मेडिकल अपडेट इन कुछ आइडिया नहीं है, बट पीपीआर 19 मे को इन्हें रिसीव हो गई है। सो अगर कोई TMU का स्टूडेंट है तो इन्हें कांटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पीपीआर टाइमलाइन है, सो बीकॉम में इन्होंने, देन MBA फाइनेंस एंड मार्केटिंग में 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, ये रिपोर्ट, बैंक बैलेंस, हस्बैंड अकाउंट 8 लाख, SOP, इनिशियल एप्लीकेशन, री एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोफेशनल राइटर एंड एडिटेड बाय, इनका कोई एजेंट होगा। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनका कोर्स था फॉर मे इनटेक, एंड मेडिकल 8 नवंबर, BCL 28 दिसंबर, एंड इनका जो रिजेक्शन 18 जनवरी। सेकेंड एप्लीकेशन फिर रिफ्यूज़ल आया था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किया उन्होंने, सेप्टेम्बर डेफर कर दिया था, और 17 मई को PPR आ गई है। सो 29 अप्रैल को इन्होंने अप्लाई किया था, एंड नेक्स्ट PPR है। सो गाइज, इनकी प्रोफाइल डिटेल्स में देख लीजिए, एंड 3 रिफ्यूज़ल थे इनके, एंड कोर्स इन्होंने अपना था जो सेम रखा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सदरलैंड कैंपस के लिए, एंड इनका 3rd अटैम्प्ट में PPR आ गया है। नेक्स्ट है, फाइल हाउस 15 अप्रैल, वीजा रिसीव 24 मई, माई वाइफ वॉज 2 टाइम रिफ्यूज फ्रॉम UCW एंड अप्लाइड विद द सेम कोर्स, बोथ आर गोइंग टू कैनेडा। सो आज इनका वीज़ा भी आ गया 24 मई को, कंग्रेचुलेशन। नेक्स्ट है, सो इनके स्पाउस ओपन वर्क परमिट का वीज़ा है, लॉस्ट डे 28 मार्च, बायोमेट्रिक 8 अप्रैल, मेडिकल 5 अप्रैल, रिव्यू स्टार्ट 4 मई, PPR 23rd of May को रिसीव हो गई है। एंड आई थिंक गाइस, अगर आपका कोर्स रेलेवेंट है ना, तो अगर आपका रिफ्यूज़ल भी आता है तो आप चेंज ना करें, आप सेम कोर्स के साथ अप्लाई करें, आपका वीज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट है, गॉट माई वीज़ा आफ्टर 3 रिफ्यूज़ल, फाइल हाउस 28 अप्रैल, री मेडिकल 12 मई, मेडिकल डन 15 एंड मेडिकल अपडेट 20, PPR इनको 23rd of May को रिसीव हो गई है, अलगोमा यूनिवर्सिटी, बैचलर इन इकोनॉमिक्स, SSM कैंपस है इनका। नेक्स्ट है, फाइनली विद द ग्रेस ऑफ गॉड, फाइल ऑफ 6th मे, बायोमेट्रिक 11th of May, अपडेट सेम डे, PPR रिक्वेस्ट इन्हें 23rd of May को रिसीव हो गई है, डायरेक्ट PPR रिसीव हुई है इनका। कोई ऐसा रिव्यू इनका, इनको मैसेज या इनके प्रोफाइल पे अपडेट नहीं था अंडर रिव्यू। नेक्स्ट है, आई गॉट माई वीज़ा टुडे आफ्टर 3 रिफ्यूज़ल, ऑल फ्रॉम कॉनेस्टोगा, इंटरनेशनल बिजनेस डिप्लोमा, लॉस डे 28 अप्रैल, री मेडिकल 12th, 23rd को PPR आ गई है, एंड अलगोमा यूनिवर्सिटी से अब इनका PPR आया। आई थिंक ये प्रोफाइल मैंने शेयर कर ली है, एंड दिस टाइम इन्होंने अलगोमा में अप्लाई किया है। नेक्स्ट टाइम, सो इनकी आप प्रोफाइल भी देख लीजिए, 12th 2022, 63%, एंड सब्जेक्ट वाइज इन्होंने नंबर अपने शेयर किए हैं, आईएलटीएस में 7th है, नॉट लेस देन 6.5। CA रिपोर्ट इन्होंने शेयर किया 1.5 करोड़, एंड लिक्विड फंड इन्होंने 10 लाख शो किए अपने बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट है, सो GC की स्क्रीनशॉट है, 24th फेब, फाइल हाउस सबमिशन सेम डे, BCL 25th, करस्पॉन्डेंस लेटर 2 टाइम, अप्रैल 22, देन मेडिकल रिपोर्ट मे 16, आफ्टर डेट करस्पॉन्डेंस लेटर मे 24, एंड देन ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट मे 24 को रिसीव हो गई है। नेक्स्ट है, 11th ऑफ अप्रैल की फाइल हाउस है, सबमिशन इनका सेम डे है, 6th अप्रैल, मेडिकल, बायोमेट्रिक 18, मेडिकल अपडेट 20, एंड PPR रिसीव ऑन 23rd of May। सो ये स्पाउस ओपन वर्क परमिट का रिजल्ट है। नेक्स्ट है, सो अप्लाई 7th ऑफ अप्रैल, बायोमेट्रिक 10th अप्रैल, पासपोर्ट रिक्वेस्ट मे 24, अप्लाई फ्रॉम सिंगापुर। सो गाइज, ये भी स्पाउस ओपन वर्क परमिट का ही रिजल्ट है जो आज इन्हें रिसीव हुआ है, बट इन्होंने सिंगापुर से अपनी फाइल लॉन्च की थी, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट है, सो 8th अप्रैल को इन्होंने फाइल लॉन्च की है, 17th को इन्होंने बायोमेट्रिक हुए हैं, 20 को मेडिकल अपडेट हो गया इनका, 1st मई को इनका रिव्यू स्टार्ट हो गया था, 23rd को इनकी पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।